हैं मैच में, मैच हो चुका है स्टार्ट, करंटली स्पेक्टेट कर रहे हैं काफी सारे अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर। तो भाई पबजी बैन के बात की ऑलरेडी, यहाँ पर देख सकते हैं हो चुकी है नॉक भाई, यहाँ पर देख सकते हैं आप करंटली संकल कुर्मी यहाँ से नॉक पड़े हुए, मेंटल राज और स्काउट सारे के सारे प्लेयर नॉक पड़े हैं भाई। सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हमारे सामने हो चुकी, मैच कर रहे हैं रिकॉर्ड और मैच रिकॉर्ड करने के बाद आपके सामने फटाफट से स्ट्रीम को हम कर देने वाले हैं अपलोड। तो उसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन चुकी है कि भाई करंटली मेरे को जो लगता है लाइव स्ट्रीम भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही क्योंकि ऑडियो वगैरह का इशू वहाँ पर जा रहा, तो शायद मैंने लाइव वहाँ पर नहीं हो पाया, बट स्ट्रीम आपके लिए अपलोड कर दूंगा गाइज, लास्ट स्ट्रीम होगी लेकिन अपलोड आपके लिए मैं कर दूंगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है आज पता नहीं किस कारण से, शायद मैंने डिवाइस अपडेट किया अपना उस कारण से सॉफ्टवेयर अपडेट कारण कोई ग्लिच हो सकता आया हो, बट गाइज यहाँ पर स्ट्रीम कंटिन्यूसली करते हुए मैच को रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर देने वाले हैं। जहाँ पर हमारी करंटली नज़र जो है नाइट अवेक के ऊपर बनी हुई, जहाँ पर टीम नंबर 15 से शशांक अमनकुल 07 मार्क एंड नाइट अवेक साथ में बने हुए, देखना यह है कि किस तरीके से नाइट अवेक और उनकी टीम यहाँ पर कमाल करने वाली है। बात कर रॉक स्टार की टीम की तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 21 से अभी भी सिंगल खेल रहे हैं गाइस, यहाँ पर सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैच खेलना चाह रहे हैं, लेकिन देखने की क्या कुछ अमेजिंग कमाल वो कर पाने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो भाई एमएस की तरफ से हमारे पास एमएस के डोरेमोन गोरिल्ला बने हुए भाई ओपोनेंट टीम में आपको देखने के लिए मिलने वाले। टीम एमएस से अगर बात करें तो टीम नंबर 5 से एमएस के कुछ बंदे हमारे सामने, सामने वाली से टीम एमएस के देसी बॉय और उनके साथ उनके भाई प्लेयर जो है वो बन चुके। तो भाई दो टीम एमएस के बीच फ्लोमैक्स के डेडपूल ने यहाँ पर किसी को नॉक निकाले, फटाफट चलने वाले हैं टीम फ्लोमैक्स की तरफ जहाँ पर फायर रखती है यहाँ पर हमारे साथ टीम नंबर 20 में खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो नाइट अवे की टीम यहां पर मुझे लगता है कि जरूर से जो है एक फाइट हमें देखने के लिए मिल जाने वाली है। टीम नंबर 9 की अगर बात करें तो भाई यहां पर डीएनबी रोहित जो हैं हमारे साथ बन चुके हैं और टीम नंबर 9 से और उनके साथ उनकी टीम मेंबर्स यहां पर खेलते हुए, जहां पर डीएनबी तो शुभू लकी राज एंड रौनित हमें देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। तो भाई टीम नंबर 9 से भी काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जीरो के साथ, लेकिन स्टिल काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने में। फ्लोमैक्स डेडपूल जो है भाई काफी बड़े तरीके से कमाल करते हुए बंदों को नौकर निकालते जा रहे हैं। टीम फ्लोमैक्स की अगर बात करें तो शायद मुझे लगता है नोव रेपनॉय के बाद उनकी फाइट चली थी, टीम फ्लोमैक्स को फटाफट से स्पॉट करने वाले हैं। जहां पर आप देख सकते हैं टीम फ्लोमैक्स जो है टीम नंबर 4 में HX28 के साथ जमे हुए हैं। बात करने वाले डेडपूल की फटाफट से टीम एम्बिल एंड ऐसे लूनेटिक जो हमारे फ्लोमैक्स से क्रेजी बॉय के साथ बन चुके हैं। ऑन ग्राउंड अगर बात करो संकल्प पूरी बच्चों एंड संकल्प पूरी फिनिश करते हुए फ्लोमैक्स के HX28 का माल परफॉर्मेंस साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने यहां पर खेल दिया, परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। उम्मीद करने वाले किसी तरीके से भाई आने वाले उसमें भी खेलने वाले आने वाले मैचेस जो हमारे, और भाई बात करने वाले हैं जो पबजी हमारा बैन हो रहा है तो उसके बाद व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करेंगे हम, किस तरीके से जो है हैंडल करने वाले हैं तो वहां पर भाई आपको COD प्रॉबली या फिर फ्री फायर आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाने वाला। तो भाई परेशान मत होइएगा, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल कीप यू पोस्टेड अबाउट द गेम्स दैट वी विल चूज आफ्टर सम टाइम। COD या फिर हमारा जो है फ्री फायर, हम दोनों आपसे पूल रखने वाले हैं, एक आपस में वोट कर दीजिए कि आप कौन सा गेम जो है पसंद करने वाले हैं, उस गेम के अकॉर्डिंग हम वहां पर उसकी लाइव स्ट्रीम्स आपके लिए डेली लेकर आ जाएंगे। तो भाई यहां पर आप बताएं हमें कि कौन सा गेम जो है आप खेलना चाहते हैं, पबजी तो क्या खेलोगे, COD या फिर फ्री फायर, जो भी गेम आप खेलना चाहें हमें बता सकते हैं वहां पर और हम आपके लिए लाइव स्ट्रीम वहां पर उसके लेकर जाएंगे। तो फिलहाल करंटली हमारे जो मैच आज हमारा प्रॉबली मे भी हमारा लास्ट मैच हो सकता है, जहां पर हमारे पास मयंक एक्स बन चुके हैं अनुज उनके साथ खेल रहे हैं, वंश हमारे साथ बन चुके टीम नंबर 40, काफी एक अमेजिंग जो है मैच हमें इनकी तरफ देखने के लिए मिल सकता है। टीम नंबर 21 से अगर बात करें तो टीम नंबर 21 से रॉक स्टार केटा हमारे साथ खेल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो टीम नंबर 25 की अगर बात करें, टीम नंबर 25 से हमारे पास ड्रॉप के पास यहां पर मुझे लगता है कि फाइट्स वगैरह देखने में, यहां पर TNS के रोद्र बाजीगरन पोसाइडन बन चुके हैं, हनी यहाँ पर उनके साथ खेल रहे हैं। टीम नंबर 25 काफी बड़े तरीके से 4 के साथ एक स्क्वाड को वाइप करते हुए टीम TNS जो है काफी बड़े तरीके से आज के लास्ट मैच में परफॉर्म करते हुए, तो इसके बाद भी आप टेंशन मत लीजिएगा, पबजी बैन होता भी है तो COD में हम आ सकते हैं, COD में आपके लिए काफी लेकर आते हैं और COD भी जस्ट इनकेस बैन होते तो फ्री फायर भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो काफी जो भी अलग से बैटल रॉयल है वहां पर हम देखने वाले हैं और जो भी आपको अच्छा लगेगा कल ऐप में आपको यहाँ पर वोटिंग पूल जो है देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आप गेम खेलना चाहते हैं वहां पर हमें वोट कर दीजिए उस गेम को, जितने ज्यादा वोट जिस गेम के होंगे हम वही गेम की स्ट्रीम्स जो है स्टार्ट कर देने वाली हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टिल जो हमारा एंटरटेनमेंट है वो बना रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि हमारे साथ गेम्स खेलिए और जो भी आपको डाउट्स वगैरह आते हैं तो हमें फटाफट से आप बता दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके से डाउट अगर कुछ लगे तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, कोई भी डाउट है हमें डिस्कॉर्ड सर्वर में आप पूछ सकते हैं। टीम नंबर 14 की फाइट स्टार्ट हो चुकी, टीम नंबर 20 के नेक्स्ट कमांडो यहां पर काफी बड़े से अग्रसर साथ खेले, मयंक एक्स की टीम को वाइप करते हुए 6 किल्स के साथ अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने यहां पर बड़े तरीके से जो है अपनी टीम को 6 किल्स दिलाते हुए, मयंक एक्स को 1 डिक्टर का लास्ट ब्लो एंड इट वाज वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। देखना यह है कि किस तरीके से
क्या इसी तरीके से आगे खेलने वाले, इसी तरीके से बन रहे हैं। एमएस कैफ की अगर बात करें तो टीम नंबर 18 से हमारे साथ एमएस कैफ बन चुके हैं और उनके साथ अग्नि के रोहित, नकुल एंड प्रतीक जो हैं हमारे साथ खेल रहे हैं। तो इनके ऊपर भी नजर हमारी रहने वाली है कि भाई आखिरकार जो हमारे बंदे हैं अब वो किस तरीके से खेलने वाले हैं। तो भाई आपको थोड़ी देर में मैं वीडियो वगैरह भी अपलोड कर देने वाला हूं कि क्या हमारी जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से हम प्लान करने वाले हैं आने वाले गेम्स के लिए, किस तरीके से एंटरटेनमेंट जो है हमारे यूजर्स काम करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आपको जरूर से बता देंगे। टेंशन मत लीजिएगा, कोई भी गेम है हम इंजॉय जरूर साथ में करेंगे। आपको स्ट्रीम्स देखने के लिए मिल जाने वाली हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा कंटिन्यूसली। सीओडी में आपको कस्टम रूम वगैरह हम खिला देंगे, वहां पर आपको जरूर उसमें भी मजा आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक करते जाएगा वीडियो को, और आपको नेक्स्ट अपडेट्स जो हैं जरूर से देखने के लिए मिल जाने वाली है। बात कर टीम ऑफ 15 से, नाइट अवेक जो है टीम ऑफ 15 से अमन कूल के साथ खेल रहे हैं, तो भाई जीरो के साथ इनकी टीम है, लेकिन काफी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है मेरी तरफ से देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि भाई असॉल्टर्स का ग्रुप है, असॉल्टर्स काफी अच्छी टीम में भरे हुए हैं और क्लोज इन बैटल्स में, तो जरूर से एक टफ कॉम्पिटिशन हमें देकर जाने वाले हैं। टीम नंबर 2 की अगर बात करें तो भाई रिया बदन यहाँ पर साथ खेल रहे हैं टीम नंबर 2 से, जहाँ पर उनके साथ आरजी से डेल्टा, I am the one यहाँ पर जो है उनके साथ खेल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर टीम नंबर 2 से भी मुझे लगता है कि कुछ हमें शायद एक अच्छा सा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं टीम नंबर 6 KOK की, तो भाई KOK को जॉर्ज सिटी में बड़े तरीके से कैप्चर करते हुए एक अलग सा कवर बनाए हुए, जोन के एज टू एज खेलना चाहते हैं, डायरेक्टली रश करके अपनी टीम को स्टार्टिंग में फिनिश नहीं करना चाहते, चिकन डिनर के लिए एम कर रहे हैं कि भाई लास्ट चिकन डिनर जो है आज भी जो मे बी हमारा लास्ट मैच हो सकता है उसका चिकन डिनर कौन लेकर जाने वाला। तो इसके बीच में कॉम्पिटिशन वाला है, एमएस के डोरेमोन ने पेगासस को कर दिया नॉक, फाइट हो चुकी है स्टार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। भाई यहाँ पर स्कूल के पास जो हमारी फाइट चल रही थी डोरेमोन ने कर दिया था पेगासस को नॉक, नजर हमारी पेगासस के ऊपर है, पेगासस नॉक है, गोरिल्ला नॉक है, नोबिता के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देसी बॉय यहाँ पर, डोरेमोन ने कर दिया काफी अमेजिंग शॉट एकेएम के साथ भाई, बड़े देसी बॉय के लिए बचे हुए और इनकी टीम कर सकते हैं फिनिश। भाई मुझे लगता है कि शायद इनकी टीम होने वाली है फिनिश, बहुत बड़े तरीके से परफॉर्म करते हो। सामने टीम से अगर बात करें तो भाई वुल्फ ओपी जो शायद ऑफलाइन हो चुके हैं वो बचे हुए हैं, तो भाई यहां पर मुझे लगता है कि जो एमएस की टीम है भाई यहां पर 2 किल्स के साथ अपनी सामने कॉम्प्यूटर को फिनिश करते हुए बढ़िया सा कमाल कर दिया। साइनाइड लियो को टीम डीएनएस से यहाँ पर बंदे ने नॉक निकाला, भाई फटाफट से नजर डालते हैं तो साइनाइड लियो ऑन ग्राउंड, अगर बात करते हनी एक्स ओपी जो थे यहाँ पर प्लेयर वगैरह का लूट करते हुए यहाँ पर मुझे शायद ऑफलाइन प्लेयर्स को नॉक निकालते हुए बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आ चुके टीम डीएनएस साथ। कोऑर्डिनेशन कहना चाहेंगे, काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन हमें उनकी तरफ से देखने के लिए मिला हुआ है। उसके अलावा अगर बात करते भाई एसएल ल्यूनेटिक जो हमारी फ्लोमैक्स की टीम को ज्वाइन कर चुके हैं, काफी बढ़िया तरीके से किल्स वगैरह लेते हुए नोवो रेपनॉय को कैप्चर करते हुए यहाँ पर आगे आ चुके हैं। तो भाई लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, शायद मुझे लगता है कि ऑडियो का कुछ इशू आ रहा था जिस कारण से हम लाइव नहीं जा पाए थे, बट स्टिल आपके लिए मैच रिकॉर्ड करके हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो जरूर से मैच को देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक वगैरह हमारी मिल जाएगी अगर हमारा ऐप डाउनलोड, अगर आपको हमारे साथ COD वगैरह खेलना है या उसे कस्टम रूम को आपको ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। ऐप में जो भी अपडेट होगी आपको डिस्कॉर्ड में हम वहाँ पर ऐप अपडेट डाल देने वाले हैं, जहाँ पर आप हमारे साथ रहकर पता लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से। और भाई जतेंद्र के ऊपर रश हो सकता है टीम नंबर 1 एंड टीम नंबर 22 के बीच में, और मुझे शायद बंदे को अपने स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, और भाई यहाँ पर सामने से फायर पड़ता हुआ टीम नंबर 10 का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेव स्टोन द बॉस यहाँ पर खेलते हैं, डीएनबी ने 07 के मार्क को निकाल दिया नॉक, डीएनबी ले चुकी है फाइट स्टार्ट। अगर बात करने वाली है नाइट की टीम तो 07 के मार्क नॉक है, डीएनबी इनके अगेंस्ट आ चुकी है, किस तरह से डीएनबी रश करने वाली क्लोज इन करने के लिए काफी अच्छा जो है डीएनबी के साथ 07 के मार्क को स्पॉट करते हुए यहाँ पर कोच कर रहे हैं, प्रोन होते हुए अलग अलग एंगल बनाने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि भाई इतना आसान नहीं होने वाला है। कवर बना के रोहित एंड लकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, शशांक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पीछे से टीम नंबर 8 से ध्रुव गोयल आ चुके हैं, डेल्टा के जो राज है 07 के मार्क को फिनिश करते हुए काफी बढ़िया तरीके से जो हम कह देंगे कवर वगैरह उन्होंने बना ली, स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स आपको देखने मिलने, आरजी डेल्टा ने काफी मतलब थर्ड पार्टी करते हुए यहां पर डीएनबी की टीम को डिसएडवांटेज में डाल दिया है। टीम नंबर 2 साइड से थर्ड पार्टी करते हुए टीम नंबर 9 के ऊपर बहुत बड़ी तरीके से सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल करते हुए कवर वगैरह उन्होंने बना लिया। देखने ये कि कौन इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने वाला, डीएनबी की सबसे मुश्किल आपको देखने के लिए मिल सकती है, डीएनबी कंप्लीटली सराउंड हो चुकी है अलग अलग लोकेशन में, आप देख सकते हैं 2 टीम से अलग अलग थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार। डीएनबी के पास मौका कम है, लकी 2 प्लेयर्स नॉक है, लकी बचे हुए, शुभ बचे हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बनती है किस तरीके से टीम को, लकी फिनिश हो चुके, रोहित एंड शुभ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई ये रश जो है 3-way रश आपको सैंडविच जो है देखने के लिए मिलने वाला है, मुश्किल होने वाली, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भाई यहां पर आप देख सकते हैं करंटली जो है शशांक ने रिया बंदे को नॉक निकाल दिया, भाई शशांक जो है थर्ड पार्टी की जो वेट करते, ध्रुव गोयल जो है ग्रेनेड वगैरह करते हुए यहां पर मुझे लगता है कि शायद सामने टीम को, और भाई एक बंदे को स्पॉट करते ध्रुव गोयल का नॉक निकल सकता है, आई एम द वन के आरजी डेल्टा ने कवर दिया, ध्रुव गोयल फिनिश,
एंड दे हैव फिनिश्ड देम टोटल टीम विद 4 के साथ उनकी स्क्वाड यहां पर अपना जो है झंडा गाड़कर चली गई है। उसके अलावा अगर बात करें डिफरेंट लोकेशंस की तो आपको देखने के लिए मिलने वाला डीएनबी कंप्लीटली अब सेफ है यहाँ पर, आसपास कोई और देखने की स्क्वाड नहीं मिलने वाली। यहाँ पर बात करें तो जतन जीरो टीम नंबर 22 से उनके पास योर हिमांश एंड मॉस्को चीनू की फाइट यहाँ पर हो चुकी स्टार्ट। बॉस यहाँ पर इस फाइट में एंगेज हो सकते हैं, देखना यह कि टीम नंबर 1 वर्सेस टीम नंबर 10 हु इज गोना विन दिस बैटल। इट्स गोना बी एन अमेजिंग मैच आफ्टर सम टाइम। डीएनबी के राजा शशांक के साथ खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद जो है अमन कूल ने भाई डीएनबी के शुभ गुण निकाल दिया। यहाँ पर एक और फाइट स्टार्ट हो चुकी, एमएस के पेगासस भी आ चुके हैं। अमन कूल यहाँ पर जो है मुझे लगता है शाम वाली टीम से नॉक हो जाए। शशांक के ऊपर बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्लेयर को रिवाइव देने की, साथ ही साथ अगर बात करें अलग अलग एंगल्स की तो भाई पीछे एमएस आ चुकी है, शशांक को कर लिया स्पॉट, पेगासस अगर स्पॉट कर लेते हैं तो भाई इजिली किल निकल सकता है शशांक की टीम को भाई एक डिफरेंट एंगल में। एमएस की टीम अच्छी पोजीशन बना चुकी है, पेगासस जो है गोरिल्ला जो है मुझे शायद स्पॉट कर चुके, अमन कूल स्पॉट शशांक के नॉक निकाल दिया डीएनबी के राजा शशांक को भाई। यहां पर दोनों तरफ से पड़ रही शशांक की टीम कंटेस्टी राउंड होते हुए थर्ड पार्टी में निपट गई है। अब फाइट बचती है डीएनबी वर्सेस एमएसएस के बीच में, जहां पर गोरिल्ला पेगासस एंड लोबेटा हमारे साथ बने हुए। डीएनबी के ऊपर प्रेशर ज्यादा बनता हुआ, जहां पर एक प्लेयर की टीम से फिनिश हो चुका, अकेले जो है लकी भाई थे वो फिनिश हो चुके। उसके अलावा जो डीएनबी के शुभ राज एंड रोहित हैं वो हमारे साथ अभी बने हुए एमएसएस एमएस के अगेंस्ट इन्हें कम्पीट करना, जहां पर एमएस के चारों प्लेयर्स लाइव है, पेगासस गोरिल्ला नोबिता देसी बॉय सारे प्लेयर्स लाइव है। टीम टीएनएस फ्लोमैक्स के साथ यहां पर थोड़ा सा दूरी बनाते हुए एमएस कैफ अग्नि का सपोर्ट करते हुए किंग ऑफ किंग भी अलाइव अभी तक मैच में। भाई मैदान की अगर बात करें तो भाई फाइट्स आपको काफी अमेजिंग आज के मैच में देखने के लिए मिले। डीएनबी रोहित पीछे से भाई टीम नंबर 22 जतेंद्र की जो टीम है ब्रेवस्टोन द बॉस भी जरूर से इस फाइट को ज्वाइन कर सकते हैं। 4v3 का मैच हो रखा है, जहां पर डीएनबी वर्सेस एमएसएस की हम फाइट यहां पर करंटली देख रहे हैं। उसके अलावा एक डिफरेंट लोकेशन में चलेंगे तो भाई यहां पर एसएल लूटेड टीम फ्लोमैक्स जो है ब्रिज क्रॉस करते हुए, ब्रिज कैंप की तैयारी जो है यहां पर नहीं लग रही किसी भी तरीके से। टीम टीएनएस ऑलरेडी लेकिन ब्रिज के पास ऑलरेडी वेट कर रहे हैं पर बाजीगर एंड पोसाइडन विद टीएनएस रुद्र जो है यहाँ पर 5 kills के साथ उनकी टीम जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए आ चुकी है। बात करने वाले हैं यहाँ पर एक फाइट जिसकी एमएस की हम बात करते हैं, एमएस जरूर से रश करने की तैयारी कर रही है टीम नंबर 9 के ऊपर, क्लोजिंग के लिए तैयारी कर रही है सारी टीम जो है। यहाँ पर अगर बात करते हैं भाई डीएनबी के ऊपर ऑलरेडी मुझे लगता है कि शायद रश हो चुका है। अलग अलग एंगल से हम बात कर रहे हैं, एमएस की गोरिल्ला डीएनबी के बंदों को स्पॉट करते हुए डीएनबी के राज जरूर से एक अच्छा सा एंगल रिज के पास होल्ड कर चुके हैं भाई यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि भाई रिज के पास जो एंगल उन्होंने बना रखा है वो जरूर से इन्हें कुछ फायदा देने वाला है। सिचुएशन आपके सामने हो रखी है क्योंकि भाई इतना आसान नहीं होगा इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना, क्योंकि डीएनबी की एमएस से अगेंस्ट फाइट, एमएस में असॉल्टर आपको देखने मिले लेकिन डीएनबी ने दिमाग के साथ भाई फ्लैंक मार चुके हैं डीएनबी से। रोज ऐसे लुनेटिक ने किंग ऑफ वॉर के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट कर दी, किंग ऑफ वॉर रोज गोरिल्ला को भी नॉक निकाला भाई, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, 4-3v2 सिचुएशन आ चुकी है, फ्लैंक इनका काम कर गया है, एमएस के गेम पर चुका प्रेशर, राज जो है क्लोजिंग करने का ट्राई करेंगे क्योंकि भाई अब जो है यही मौका होने वाला है डीएनबी के पास। राज क्लोजिंग करते हुए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, देखना ये कि राज किस तरीके से बंदों को नॉक निकल पाएंगे। तो भाई राज पूरी कोशिश करते हुए 32 प्लेयर्स फ्रॉम 11 डिफरेंट टीम्स, इट्स गोना बी अ इंटेंस मैच आफ्टर सम टाइम। टीएनएस के अगेंस्ट फ्लोमैक्स की फाइट हो चुकी है, यहां पर काफी अमेजिंग तरीके से मुझे लगता है देसी बॉय अब अकेले जो बची हुए रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है टीम को रिवाइव देने के लिए, लेकिन प्रेशर बढ़ चुका है गोरिल्ला एंड देसी बॉय का, ये काफी एक प्लेयर ऑन ऑफ गोरिल्ला 1 HP में राज एंड स्टार प्लेयर साथ एंड गाइस यहां पर टीम डीएनबी कंप्लीटली वाइप करते हुए एमएस की टीम को काफी अमेजिंग तरीके से, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दैट वाज। अभी बात करते हो टीम डीएनएस हो चुकी है टीम फ्लोमैक्स अगेंस्ट फाइट स्टार्ट, देखना ये है कि किस तरीके से टीम फ्लोमैक्स वर्सेस टीम डीएनएस वर्सेस टीम केओके 4v4v2 बैटल जो है सिचुएशन हमारे सामने आ चुकी। और यहां पर एक और फाइट स्टार्ट हो रही है टीएनएस के अगेंस्ट, यहां पर फ्लोमैक्स की लूनेटिक हमारे पास आ चुके हैं। टीम डीएनएस के अगेंस्ट किसी भी वक्त हमें फाइट जो है देखने में हनी ओपी नॉक है, टीएनएस रोड अच्छे से एंगल में कवर बनाते हुए यहां पर स्पॉट कर चुके हैं, काफी कमाल देखते लेकिन फ्लैंक मार चुके बाजी में कवर देने का जरूर से कर रहे हैं, लेकिन भाई क्या कवर दे पाएंगे रुद्र को, लूनेटिक एक अच्छा सा कवर होल्ड करते हैं ब्लास्ट में टीम एम्बिलैंड के द्वारा टीएनएस रुद्र फिनिश, लूनेटिक जो है कवर बनाते हुए यहां पर टीम टीएनएस की तरफ से मुझे लगता है कि भाई यहां पर बाजीगर जो है नीचे गिर चुके हैं, दो प्लेयर फिनिश चुके हैं, पोसाइडन की ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है बाजीगर किंग ऑफ किंग और फ्लोमैक्स के अगेंस्ट। भाई फ्लोमैक्स तरफ से 3 प्लेयर्स अलाइव हैं, 3v2v2 सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है।
फाइट्स की अगर बात करें तो भाई अग्नि भी जरूर से इस फाइट में एंगेज हो सकती है। फायर अथी की अगर बात करें तो भाई टीम नंबर 20 से फायर अथी वर्ल्ड एटर नेक्स्ट कमांडो जो है हमारे साथ बन चुके हैं। गाइस देखना ये कि किसकी फाइट जो है यहाँ पर काम आने वाली है, कौन यहाँ पर लास्ट चिकन है लेके जा रहा है। जहाँ पर द मैवरिक वांटेड टीएनएस पोसाइडन ने लूनेटिक को निकाल दिया नॉक, सिचुएशन एक बार और अंडर कंट्रोल। 2v2v2 हो चुका है सामने, देख लिया नॉक है, रश की तैयारी बाजीगर योर हमारे धीरज को नॉक निकाल दिया, योर हमारे ग्रिप से कुछ थोड़ा केओ के नेसल लूनेटिक को फिनिश कर दिया, किल चोरी कर लिया पोसाइडन का सिक्स किल के साथ। टीम टीएनएस 2v2v सिचुएशन में रश करने की तैयारी कर रही है, केओ के भी सामने से मुझे लगता है थर्ड पार्टी करने के लिए कंप्लीटली रेडी हो चुकी है। पोसाइडन बाजीगर काफी तेजी से रश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फ्लोमैक्स डेडपूल ऑलरेडी कवर बना चुके, आईएमपी लाइन वेट कर रहे हैं, केओ के अगर बात कर थर्ड पार्टी के लिए कंप्लीटली तैयार है। पोसाइडन रश करने की तैयारी बाजीगर के साथ, देखना यह कि किस तरीके से इनका कोऑर्डिनेशन जो है आज यहां पर बैठने वाला, क्या टीम फ्लोमैक्स को वाइप कर पाएगी टीम डेबल सिचुएशन आपके सामने। एक और रश सामने से आपको देखने के लिए मिल गया है क्योंकि भाई यहां पर बाजीगर ऊपर रश हो चुका है। टीम नंबर 25 जो थी यहां पर भाई मुश्किल होने वाली, फ्लोमैक्स की तरफ से बंदे फॉल बैक कर दे, पोसाइडन जो है अलग एंगल में रहते हैं केओ के, लेकिन अभी भी इनका वेट जो है कर रही है अलग एंगल से। अगर वेट बात करेंगे तो भाई यहां पर आपको पता चलने वाला है केओ के अलग रिज में वेट कर रही है, जहां पर टीम डीएनएस फॉल बैक करने की तैयारी केओ की तरफ से। टीम जो हमारी फ्लोमैक्स रेडबुल है वो एमएस के वोल्फो भी जोन से फिनिश होते हुए, उसके अलावा अगर बात करें तो भाई ब्रेवस्टोन द बॉस टीम नंबर 20 जो है जरूर से इनके अगेंस्ट फाइट ले सकती है। सिचुएशन आपके सामने भाई दो टीम्स आसपास फाइट ले सकती हैं, टीम नंबर 4 वर्सेस टीम नंबर 25। वी हैव टीम नंबर 6 आल्सो ऑन दिस प्लेस। अगर बात करें तो भाई केओ के फ्लोमैक्स रेडबुल के आगे जो अभी भी अलाइव है एमके 14 के साथ, तो जरूर और केओ के नाम निकाल दो भाई। यहां पर बाजीगर ने पीछे से बाजी मार ली है, यहां पर डेडपूल ने क्योंकि 07 को फिनिश किया, लेकिन बाजीगर ने यहां पर एक बंदे को फिनिश करते हुए यहां पर सिचुएशन को अभी भी कंट्रोल कर रखा है। अगर बात करें तो पोसाइडन बाजीगर की थर्ड पार्टी का वेट अप कर रहे थे और केओके को फिनिश करने के बाद यहां पर सिचुएशन जरूर से अंडर कंट्रोल आ गई है। बात करने वाले लेकिन भाई जरूर से कुछ अच्छा हमें देखने के लिए मिल सकता ब्रेस्ट ऑन द बॉस की अगर बात करें टीम नंबर 1 से, तो वहां पर गुड्डू भाई एंड ब्रेस्ट ऑन द बॉस हमारे साथ बन चुके हैं, दो प्लेयर जो बन चुके हैं बट स्टिल काफी बढ़िया तरह से परफॉर्मेंस देते हुए जो हमारे सामने टीम नंबर 1 से प्ले बन चुके 4v2 हो सकता है। अगर बात करें तो मॉस्को जो है इनकी टीम फायर की टीम के अगेंस्ट कर सकती है रश। मैवरिक की अगर बात करें तो भाई वर्ल्ड ट्रेडर यहां पर स्पॉट कर चुके बंदे को, रश करने की तैयारी करें। नेक्स्ट कमांडो स्पॉट कर चुके कार को कि भाई कार कहीं ना कहीं सामने से निकल रही, फायर अथी स्प्रे देते हैं तो भाई जरूर से एक अच्छा सा सक्सेसफुली बचते हुए कवर बना चुकी है। नेक्स्ट आपको अलग अलग टीम देखने के लिए मिलने वाली है, फ्लोमैक्स अलाइव है, टीम अग्नि अलाइव है, टीम डीएनए से दो प्लेयर्स, फायर की टीम अलाइव, डिक्टेटर यहां पर खेल रहे हैं, टीम नंबर 10 से भी हमारे पास काफी अमेजिंग प्लेयर्स है। तो भाई यहां पर सिचुएशन आपके सामने आ रखी है आज थोड़ा सा इंटेंस होने वाला है। धीरज जो है टीम नंबर 10 से धीरज रखते हुए वेट कर रहे कि भाई स्नाइपर काफी कंप्लीटली अगर उन्हें एक अच्छा शॉट मिलता है तो भाई यहां पर जो धीरज है कंप्लीटली बाजी बदल सकते हैं अगर कोई अच्छा शॉट देखने को मिलता है। लेकिन कंप्लीटली नेक्स्ट कमांडो फायर के बीच में स्विच करना इतना आसान नहीं होने वाला है क्योंकि भाई बंदे जो है कंटिन्यूसली कवर को मेंटेन किए हुए हैं, जब उन्हें एक अच्छा सा एंगल मिलेगा तब जरूर से फाइट के लिए जाना चाहेंगे। योर हिमांश मॉस्को यहां पर जो है टीम नंबर 20 के अगेंस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई धीरज के M16 तक काफी बड़े से स्प्रे दे रहे थे मैवरिक, लेकिन भाई इतना आसान नहीं था, काम नहीं कर पाया। काफी बड़े परफॉर्मेंस हमें देखने के मिल रही है जो हमारी टीम नंबर 20 है 6 के साथ ऑलरेडी बेट करी, मॉस्को कर लिया स्पॉट टीम नंबर 20 से नेक्स्ट कमांडो ने। तो देखने ये किस तरीके से बंदे जो है आज परफॉर्म करने वाले हैं। फायर अत्ती की अगर बात करें तो भाई फायर अत्ती भी इनके साथ बन चुके हैं, ईजी नहीं होने वाला है बट स्टिल वी विल हैव टू सी इट आफ्टर सम टाइम बिकॉज देखना ये किस तरीके से जो प्लेयर है आज हमारे यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं आज के इस मैच में। क्योंकि भाई अगर देखें अगर बात करें यहाँ पर टीम नंबर 20 की फाइट हो चुकी है स्टार्ट टीम नंबर 10 के साथ, टीम नंबर 10 से मॉस्को जो है सबसे ज्यादा पास हमारे पास टीम नंबर 20 के होने वाले हैं, जहाँ पर एक अच्छा एंगल का एक्सपेक्टेशन हमें देखने के लिए की तरफ से मिल सकता है। योर हिमांशन धीरज अलग अलग एंगल्स में कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं। बात करते एक और फाइट हो चुकी स्टार्ट, यहाँ पर एमएस कैप्टन बाजीगर बेस्ट फ्रॉम द बॉस के अगेंस्ट हमें एक फाइट देखने मिल सकती है। जोन के बाहर टीम नंबर 10 एंड टीम नंबर 20 के बीच फाइट चल रही है, इतना आसान नहीं होने वाला है। 18 प्लेयर्स फ्रॉम 7 डिफरेंट टीम्स बाय सिचुएशन आपके सामने, ब्रेक फ्रॉम द बॉस की तरफ फायर देने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्या
इतना आसान होने वाला है, क्या इतनी आसानी से वो फिनिश कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर पोसाइडन ने गुड्डू को इनकी टीम से नॉक कर दिया भाई, ब्रेव स्टोन द बॉस के ऊपर अब रिस्पॉन्सिबल, लेकिन टीएनएस की तरफ से अमेजिंग स्प्रे, टीएनएस पोसाइडन ने फिनिश कर दिया। यहाँ पर टीम टीएनएस विथ अमेजिंग 9 किल्स, टीम टीएनएस चिकन डिनर के लिए काफी ज्यादा आगे तेजी से बढ़ रही है। तो टीम टीएनएस भाई 9 के साथ व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस दैट वाज, टीम अग्नि के अगेंस्ट अब उन्हें कम्पीट करना है जो इतना आसान नहीं होने वाला। 2 के साथ एम एस कैफ के, तो भाई असॉल्टिंग में अगर बात करें तो एम एस कैफ काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी भी टीएनएस बाजी ने अग्नि के रोहित को निकाल दिया है नॉक स्नाइपिंग के थ्रू। तो भाई लाइव स्ट्रीम में हमारी यहाँ पर बाजीगर के AWM की लास्ट स्नाइपिंग हमें देखने के लिए आज मिली है। देखना है किस तरीके से बाजीगर जो है सामने वाली टीम को फिनिश कर पाने वाले। तो भाई जैसे ही आप परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट जो हमारा गेम है उसे हम जरूर से प्लान करने वाले हैं। तो COD या फ्री फायर कल आपको ऐप के अंदर पूल देखने के लिए मिल जाएगा, वहां पर आप बता सकते हैं या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि भाई किस टाइप का मैच आप खेलना चाहेंगे, COD या फिर फ्री फायर। तो जो भी आपको पसंद है वो बता दिए। लाइव स्ट्रीम आपको डेली देखने के लिए हमारे ऐप में मिल जाएगी, वन एंड ओनली फैंटम ई स्पोर्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स, थोड़े ही दिनों में आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है। तो जरूर से प्रिपेयर करने वाले हैं उसके लिए कि भाई किस तरीके से जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके का गेम आपको खेलने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। तो जरूर से हमारे साथ COD की स्ट्रीम्स में बने रहिएगा। बता दीजिए कमेंट करके फटाफट से कि आपका प्रेफर्ड चॉइस वाला गेम क्या है और हम वो आपके साथ खेल सकते। तब तक के लिए अमेजिंग सॉन्ग को सुनिए और बताते रहिएगा। तो भाई बात करते रहेगा, फाइट हो चुकी स्टार्ट, योर हिमांश की टीम के अगेंस्ट हो चुका मॉस्को जो है धीरज एंड योर हिमांश के बीच में बदली एक प्लेयर अकेले बचे योर हिमांश टीम फ्लोमैक्स से कमी करते हैं, लेकिन मूव एंड शूट में फ्लोमैक्स का डेडबुल का जवाब नहीं। 7, 5, 12, 18 किल्स, आई गेस इट्स गोना बी द मैक्सिमम किल्स फॉर द लास्ट डे भाई। 18 के साथ टीम फ्लोमैक्स अमेजिंग परफॉर्मेंस साथ बढ़ रही है। टीम अग्नि के गेंद जरूर से इन्हें कम्पीट करना पड़ सकता है, लेकिन देखने की क्या इतना आसान होने वाला है। वन डिक्टेटर की अगर बात करें तो भाई वन डिक्टेटर जो है अपनी टीम के साथ 6 के साथ अभी भी बने हुए, TNS अभी भी अलाइव, 5 टीम्स 13 प्लेयर्स अलाइव इन दिस स्मॉल जोन। अगर जोन की अगर बात करें तो भाई देख सकते कॉम्पिटिशन जरूर से फटाफट से स्टार्ट होने वाला है। अगर बात करें तो भाई वी हैव अ लॉट ऑफ टीम्स अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, टीम 4 फ्लोमैक्स, टीम 18 अग्नि, टीम 20 द मैवरिक, वन डिक्टेटर यहाँ पर मन चुका, टीम नंबर 20 से जतिन गर्ग हमारे साथ खेले हैं, टीम नंबर 25 से ऑब्वियस लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव टीम TNS जहां पर 9 के साथ काफी बड़े परफॉर्म कर रही है। TNS बाजीगर अग्नि के अगेंस्ट रश कर सकते हैं, इजी होने वाला है या मुश्किल होने वाला है देखते ही पता चलने वाला है। तो भाई यहाँ पर बने रहेगा टीम फ्लोमैक्स की अगर बात करें तो भाई ओवरऑल में अगर देखते हैं भाई तो टीम फ्लोमैक्स मुझे लगता है कि एक डिफरेंट एंगल में जोन से थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन जोन में अपने अपने हिसाब से भाई बंदों ने अलग अलग लोकेशन को प्रेडिक्ट कर लिया है किस तरीके से जोन बनने वाला है। भाई अग्नि की नकल नॉक निकल, फायर के अगेंस्ट रश हो चुका है, डेडपूल नॉक होते होते बचे, फायर की नॉक निकल चुके हैं। सिचुएशन अगर बात करते भाई फटाफट से चलते फायर की टीम यहाँ पर मैवरिक को बचाना भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डिक्टेटर उनका साथ देते हुए बने हुए, नेक्स्ट कमांडो कंप्लीटली पेशेंस साथ, 8 के साथ टीम हो चुकी है, लेकिन भाई पेशेंस जो है सारे प्लेयर्स बराबर से देकर जतन कर कंप्लीटली होल्ड करते हुए अग्नि की अगर बात करते भाई अग्नि अपने प्लेयर को रिवाइव देते हुए TNS बाजीगर पोसाइडन सारे प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। जहां पर अगर बात करते भाई फ्लोमैक्स आई गेस फिनिश हो चुकी है गाइस, 4 टीम्स बची हुई हैं मैक्सिमम किल्स के साथ, जो हमारी टीम फ्लोमैक्स थी वो हो चुकी है फिनिश। कंपटीशन टफ होता हुआ, 11 किल्स, 11 प्लेयर्स, 4 डिफरेंट टीम्स, टीम नंबर 18, 20, 22, 25, तो भाई यहां पर स्टैंड स्ट्रॉन्ग करने वाली है अग्नि वर्सेस टीम नंबर 20, जहां पर TNS बाजीगर एंड पोसाइडन अगर पेशेंस के साथ खेलते हैं तो भाई चिकन डिनर इजिली निकाल सकते हैं। बंदों की लोकेशन सभी को एक्सपेक्टेड पता है, जोन जो है टीम अग्नि के फेवर में जा चुका है। मैवरिक को करना चाहेंगे स्पॉट, मैवरिक कर चुके AWM से स्पॉट, देखना है कि क्या ATX विद AWM कुछ बंदों को नॉक निकल पाने वाले, इतना आसान होने वाला है। लेकिन बाजीगर भी साइड से हो सकते हैं नॉक भाई, क्योंकि भाई अग्नि जो है ऑलरेडी वेट कर रही है इनका। वन डिटेक्टर ने जतनगर को फिनिश कर दिया, 3 टीम्स एंड बाजीगर नॉक, दैट्स वॉट वी एक्सपेक्टेड, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें पता था कि भाई अग्नि जो है इन्हें क्लियर एंगल मिल रहा होगा बाजीगर का गेंद एंड नॉक निकाले जा सकते। तो बात करें अगर अलग लोकेशन की तो अग्नि रश करने की तैयारी अब करने वाली है, क्योंकि भाई बाजीगर नॉक है, अग्नि के रोहित कंप्लीटली जो है
रश करने की पोजीशन में आ चुके हैं, तो भाई देखने की क्या पोसाइडन इस सिचुएशन कवर कर पाने वाले। अग्नि के रोज अगर क्लोजिंग करते हैं तो पोसाइडन जरूर से कवर रखना चाहेंगे अपने टीम को बचाने के लिए, लेकिन अग्नि जो है अभी भी रश नहीं कर रही, भाई समझ चुके हैं बंदे कहीं ना कहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है रश करना। स्टिल जो है हमारी टीम डीएनएस है अपने आप को स्टैंड करते हुए टीएनएस बाजीगर को रिवाइव देने के बाद टीम अग्नि जो है उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैवरिक की अगर बात करें तो मैवरिक वांटेड नेक्स्ट कमांडो फायर थी, यहां पर मैवरिक स्प्रे करते हुए बाजीगर के ऊपर भाई टीम डीएनएस को सराउंड कर लिया है। अलग अलग एंगल से बंदे जो हैं ट्राई करने वाले, मैवरिक डिटेक्टर फायर थी सारे क्लोज कर चुके, लेकिन मैवरिक हो सकते हैं नॉक, मैवरिक हो चुके नेक्स्ट नॉक, नेक्स्ट कमांडो फायर थी ऊपर बंदी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैवरिक नॉक है, डिक्टेटर यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि भाई सामने बंदे को बजा सके, टेनिस पोसाइडन पूरी तरीके से कोशिश करते हुए ग्रेनेड वगैरह को करने का ट्राई कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं ग्रेनेड, देखना है कि किस सिचुएशन में कौन कैसे फिनिश करने वाला है। ग्रेनेड काफी अमेजिंग था, एक ग्रेनेड और जा चुका है बाजीगर के ऊपर, लेकिन देखने की इस फाइट में दो डिंस के बीच में 2v4 कौन जीतने वाला है। स्मोक वगैरह करने का ट्राई कर रहे हैं दो डिंस के बीच में, टीम टेनिस के ऊपर जोन अब भाई मुश्किल होने वाली है, क्या टीम टेनिस जोन के अंदर पहुंच जाने वाली है। बाजीगर फायर थी डिक्टेटर भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बाजीगर के पास, बाजीगर यहां पर स्पॉट करते हुए अग्नि के अगेंस्ट जोन के जाने का ट्राई करने वाले मुश्किल होने वाला है। यहां पर अग्नि के पुजी को नॉक कर दिया, लेकिन बाजीगर 1 HP जो अग्नि के रोहित ने निकाल दिया नॉक, पोसाइडन जोन के पास जाने का ट्राई किया पर नॉक, एंड यहां पर उनकी टीम हो चुकी फिनिश। तो 3v4 का मैच अब बचा है, अग्नि 1 HP नॉक, नेक्स्ट कमांडो फायर थी यहां पर बचे हुए। तो फायर थी अगर बात करें तो भाई डीपी विद 4x साथ यहां पर बंदों को स्पॉट ही करते जा रहे हैं, लेकिन बंदे स्पॉट नहीं हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड आइडिया उन्हें नहीं है। अग्नि नकुल की अगर बात करें तो भाई नकुल के पास सबसे अच्छा एक एंगल हो सकता है, नकुल ने यहां पर निकाल दिया नॉक, नेक्स्ट कमांडो को सामने वाली टीम से 4v2 हो चुका है। तो रोहित की अगर बात करें तो रोहित का नकुल की अगर बात करें तो कार 97 स्नाइपिंग करते फायर थी कर लिया स्पॉट, फायर थी को नॉक निकलने की तैयारी, फायर थी बचना इतना आसान नहीं होने वाला, रश जो है अब हो चुका है सामने से। तो अग्नि के नकुल रश करते हुए फायर थी के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, चिकन डिनर काफी ज्यादा पास है, 6 players 2 different teams एंड द मैच हैज एंडेड, व्हाट एन अमेजिंग ग्रेनेड दैट वाज। तो भाई काफी मजा आया, मैच अमेजिंग था, स्ट्रीम हो चुकी है, एंड आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट मैच की स्ट्रीम में जो कि हमारे होने वाले हैं।